नमस्कार, मैं राबे और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय आपकी खबर खबरें डालते हैं आज की न्यूज हाइलाइट्स पे। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय सिद वेब्स, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज, कैप्चरिंग फ्रॉम रील टू रियल। प्री बुकिंग विल गेट 20% डिस्काउंट। मणिपुर की घटना के विरोध में दार्जिलिंग जिला INTTUC ने सिलीगुड़ी में निकाली धिक्कार रैली। दार्जिलिंग जिला INTTUC अध्यक्ष निरंजन डे, दार्जिलिंग जिला तृणमूल समतल अध्यक्ष पापिया घोष और अन्य ने गुरुवार दोपहर जुलूस में हिस्सा लिया। इस रैली में यह भी सवाल उठाया गया कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चुप क्यों है। पत्रकारों से बात करते हुए दार्जिलिंग जिला तृणमूल अध्यक्ष पापिया घोष ने कहा कि अगर मणिपुर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उनका आंदोलन जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा देखभाल की गुणवत्ता में सुधार के लिए सक्रिय है। इसके तहत गुरुवार को खोरीबारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नए भवन और अतिरिक्त 20 बिस्तरों का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को 59 विधानसभा हॉल से खोरीबारी अस्पताल में नई बिल्डिंग और अतिरिक्त बिस्तर सेवाओं का वर्चुअल लोकार्पण किया। SKM कार्यकर्ता SDF पार्टी में हुए शामिल। आज सिक्किम बचाओ अभियान के तहत सुदूर पश्चिम गांव बेगा में आयोजित पार्टी की आम बैठक में श्री नागी और परियांग गांव शोपाखा SKM कार्यकर्ता ने पार्टी छोड़ दी और SDF में शामिल हो गए। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं आज के विधानसभा अध्यक्ष श्री DB थापा ने हाथ मिलाकर उनका पार्टी में स्वागत किया। कोलकाता में पूर्वी मेदिनीपुर जिले के खेजूरी थाने की पुलिस ने अग्नियास्त्र तस्करी में शामिल होने के आरोपी एक भाजपा नेता को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार भाजपा नेता नंदीग्राम थाने के परुलबाड़ी गांव की निवासी है। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार BJP नेता दूसरे राज्य से हथियार लाते थे और उन्हें नंदीग्राम और खजूरी समेत व्यापक इलाके में सप्लाई करते थे। सिलीगुड़ी के माटीगढ़ा थाना अंतर्गत विभिन्न इलाकों में नए CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नर अखिलेश कुमार चतुर्वेदी ने इन कैमरे और उसके नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। बताया गया है कि माटीगढ़ा थाना अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर कुल 80 कैमरे लगाए गए हैं। कमिश्नर ने कहा कि इसके जरिए किसी भी तरह के अपराध को खत्म करने में मदद मिलेगी। कुचबिहार के तूफानगंज 2 ब्लॉक के रामपुर 2 नंबर ग्राम पंचायत इलाके में एक व्यक्ति की रहस्यमयी मौत से इलाके में हंगामा मच गया। परिवार का दावा है कि घर से बुलाकर उसे ले जाया गया और उसकी हत्या की गई। घटना की सूचना पर जब बक्सरहाट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि सबसे पहले इस बात की जांच करनी होगी उस व्यक्ति की हत्या किसने की, इसके बाद शव को पुलिस को सौंप दिया जाएगा। नगरपालिका पर व्यर्थता का आरोप लगाते हुए अलीपुरद्वार जिले के फालाकाटा शहर में गुरुवार दोपहर को भाजपा की ओर से विरोध मार्च निकाला गया। भाजपा ने लोगों की सुविधा से वंचित होने और तृणमूल कांग्रेस के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार और आतंक कायम करने के खिलाफ यह विरोध मार्च निकाला। जुलूस फालाकाटा के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करते हुए समाप्त हुआ। गैस से लदी चार पहिया वाहन और बाइकों की टक्कर में बाइक सवार समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना न्यू जलपाईगुड़ी थाना अंतर्गत फुलवारी गाजलडोबा तिस्ता कैनल रोड इलाके में घटी। स्थानीय लोगों ने घायलों को बचाया और उसे फुलवारी इलाके की एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस और नवापाड़ा कैनल रोड ट्रैफिक चौकी की पुलिस कर्मी घटना स्थल पर पहुंच घटना की जाँच में जुट गए। फुलवारी 2 ग्राम पंचायत के राजीव मोड़ से फुलवारी बैरेज तक करीब 1.5 किलोमीटर सड़क खराब है। सड़क में गड्ढे होने के कारण सड़क पर पानी जमा होने से लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। स्थानीय लोगों ने सड़क सुधार की मांग की है। वहीं जलपाईगुड़ी जिला तृणमूल कांग्रेस के महासचिव देवाशीष प्रमाणिक ने कहा जल्द ही काम शुरू होगा और अगले 1 महीने के अंदर उत्तर बंगाल विकास विभाग से काम की टेंडर प्रक्रिया की मांग करेंगे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शुक्रवार सुबह से जलपाईगुड़ी के आसमान में बादल छाए हुए हैं।
हवा का झोंका चल रहा है। जिले भर में छिटपुट बारिश शुरू हो गई है। इसी बीच आज सुबह से विद्यार्थियों से लेकर कामकाजी लोग छाता लेकर स्कूल व कार्यस्थलों पर जाते दिखे। हालांकि कई दिनों की तेज गर्मी के बाद इस बारिश से जलपाईगुड़ी वासियों को कुछ हद तक राहत मिली है। फिलहाल के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत तमाम खबरों अपडेट के लिए, बने रहे इसके लिए धन्यवाद। ₹6 करोड़ केवल ₹6 करोड़ किन्न होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल ₹6 अनि जित्नु होस पहिलो पुरस्कार ₹1 करोड़ ₹6 करोड़ डियर साप्ताहिक लॉटरी भाग्य बदलिने बाटो। हेलो स्टूडेंट्स, आर यू लुकिंग फॉर द MBBS एडमिशन इन अब्रॉड? तो जाना मत, बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म करने आया हूँ अबाउट द सेमिनार। सो गाइस, हमारी कंपनी एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करा रही है जिसकी डेट है 6th of August। 6 अगस्त हमने डेट इसलिए रखी है क्योंकि उस दिन संडे पड़ रहा है। गाइस, इस सेमिनार को अटेंड करने से आपको अपने मेडिकल करियर में काफी हेल्प मिलने वाली है। आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज इस सेमिनार से मिलने वाली है कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है MBBS एडमिशन के लिए। तो ये जो सेमिनार ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, इसका जो वेन्यू होगा वो सिलीगुड़ी के अंदर होगा एट सालूजा होटल ऑन HC रोड। Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall decoration from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Tina ka ghar banane ka total samadhan. Bazaar bhav se hamare yahan kifayati dam. घर दुकान मकान गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd mile, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। A complete IT and security surveillance solution, from high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. SIDWAP Siliguri 9434023813। सम्झना होस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौ, हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौसम्म जोगाएर राख्नेछौ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813।